नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। सोनू सूद ने मजदूरों को घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया, जिसके लिए पूरा देश उनकी तारीफें कर रहा है। हालांकि सियासत तो बीच में आ ही जाती है। पहले शिवसेना के संजय राउत ने भाजपा से उनके तार जोड़ दिए, फिर 9 जून को रेलवे पुलिस द्वारा उनको बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन में घुसने से मना करने की खबरें छपी। इस मामले पर स्पष्टीकरण देने के लिए सोनू ने ट्विटर का सहारा लिया और 9 जून को उन्होंने ट्विटर पर लिखा, केवल पूरी बात की सच्चाई सामने रखने के लिए मुझे स्टेशन में घुसने से नहीं रोका गया था। मैं पूरी तरह नियमों का सम्मान करता हूं और मैंने उनका पालन किया है। मैंने राज्य सरकार से ट्रेन के लिए गुजारिश की थी ताकि मैं प्रवासियों को उनके परिवारों से फिर से मिलने के लिए उनके घर भेज सकूं। पीटीआई के हवाले से ये खबर आई थी कि सोनू सूद को रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF द्वारा बांद्रा टर्मिनस स्टेशन में घुसने से रोका गया। प्रवासी मजदूर बांद्रा टर्मिनस से उत्तर प्रदेश को जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में बैठने वाले थे। निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर शशिकांत भंडारे का बयान आया कि एक्टर को RPF ने रोका, हमने नहीं। वो उन मजदूरों से मिलना चाहते थे जो अपने मूल स्थान वापस जा रहे थे। हमें इस मामले में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। इसके विपरीत सोनू ने एक वीडियो में RPF वालों की जमकर तारीफ की थी। कैप्शन में लिखा था, सर आप लोग हमारे असली हीरो हैं, प्रवासी भाई बहनों का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं सियासत तो कहीं सराहना। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सोनू सूद के परोपकारी कार्यों पर शंका जताई। उन्होंने शिवसेना के अखबार सामना में सवाल किया था कि महात्मा सूद के अचानक से प्रकट होने के पीछे कहीं भाजपा का हाथ तो नहीं है, जिससे उद्धव ठाकरे की सरकार की किरकिरी की जा सके। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने सोनू के प्रवासों की सराहना की थी। सोनू उनसे उनके निवास स्थान पर मिलने भी गए थे, जिसकी फोटो भी लोगों ने देखी। खैर, सोशल मीडिया पर आम जनता सोनू की तारीफें करते थक नहीं रही, क्योंकि वो काम ही ऐसा कर रहे हैं। आप देखिए, दो बच्चों ने कोरोना टीवी लाइव की रिपोर्टिंग की है सोनू के लिए, जिसको सोनू ने रीट्वीट करते हुए लिखा है, सबसे क्यूट एंकर, आपके चैनल की TRP को कोई मात नहीं दे सकता। एक फैन ने सोनू के पिता का स्केच बनाया है। बिहार के कुछ फैंस ने उन पर ऑडियो गाना भी बना दिया है, नाम सोनू सूद है, जिस पर सोनू ने यह भी बोला कि बहुत ही बढ़िया बात। सोनू सूद मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में लगे हुए हैं, वो आगे भी यही करने वाले हैं। बाकी जो भी खबर उनके रिलेटेड आएगी आपको ललन टॉप पर मिल जाएगी। आप देखते रहें ललन टॉप।